कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद तेल बाजारों के एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज रहा, आने वाले समय में बाजारों में किस तरीके से कामकाज होगा, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस, सभी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। आप सभी लोगों को एक बार फिर से, आप लोग जो लोग जुड़े हुए हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में, सभी लोगों को न्यूज़ मार्केट 24 की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो आज आपको मेजर मार्केट, तो इंडिया के मार्केट मेजर मार्केट बंद रहेंगे, फिर भी आपको बता देते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज रहा। लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार 94 रुपये, पामोलिन का बाजार 87 से 88 रुपये, राइस ब्रैन ऑयल का बाजार 81 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 106 रुपये, सोयाबीन सीड का बाजार 4750 रुपये पर कामकाज होता हुआ नजर आया। अगर कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे, क्रूड पाम ऑयल का बाजार 805 रुपये, फॉरवर्ड का बाजार 810 रुपये रहा, पामोलिन का बाजार 840 रुपये, सोया रिफाइंड 900 रुपये, सोया डिगम का बाजार 825 रुपये, फॉरवर्ड में 820 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 920 रुपये रहा। अगर हम बात करी जाए तो सन ऑयल काकीनाडा में जनवरी में 6 रुपए किलो की तेजी आई है, सोया रिफाइंड ओलिन 4 से 5 रुपए किलो तेज हुए हैं, जबकि कोलू तेल में आप देखेंगे 2 रुपए किलो तक की तेजी सीमित रही है। सीबॉट कॉम्प्लेक्स अभी भी आप जनवरी में 3.5% टूटा है, जबकि केएलसी में 6% की बाजारों में तेजी देखी गई। सीबॉट अभी पिछले साल से 1600 पॉइंट नीचे ही चल रहा है। सबसे ज़्यादा इस साल आप देखेंगे कि सन ऑयल में बाजारों में तेजी देखी गई है। सन ऑयल में आप देखेंगे कि जो आपने जो सी वेसल्स में जो मूवमेंट पर रोक लगी है, उसका इंपैक्ट $100 की बाजारों में तेजी बनी हुई है। अब जान लेते हैं किस तरीके से बैंकॉक के सेमिनार से जो खबरें निकल के आई हैं। बैंकॉक में सेमिनार हुआ है, ग्लोबल सेमिनार से खबर निकल के आई केएलसी का मजबूत रह सकती है। केएलसी आने वाले समय में आप 4000 रिंगिट के पार होते हुए दिखाई देगी, और अच्छी अगर केएलसी में बाउंस बैक आता है तो आप 4200 रिंगिट तक भी आप केएलसी देख के चल सकते हैं। तो केएलसी में अभी इंडोनेशिया में सप्लाई टाइट होने की वजह से बाजारों में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सोयाबीन का बाजार स्थिर रहेगा, मस्टर्ड में क्रॉप आने वाली है तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा। मस्टर्ड ऑयल में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है। केएलसी अगर आज बात करी जाए तो -14 रिंगिट की गिरावट के साथ सुबह केएलसी खुली, अभी -3 रिंगिट इस समय केएलसी चल रही है। अब जान लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट की अगर बात करें 93 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 95 रुपये, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 87 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 89 रुपये, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 81 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 83 रुपये, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5500 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5700 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4650 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये। बाजारों में ओवरऑल आउटलुक में आप देखेंगे आज के बाजारों में भारतीय बाजार, आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मेजर मार्केट आज ऑल ओवर इंडिया के बंद रहेंगे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखा जाएगा। फिर भी बाजारों में आपको खरीदारी करनी है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।